सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट के साथ समीक्षा बैठक की, जहां बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो भी तैयारियां अधूरी रह गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर उससे निपटा जा सके। राज्य स्तर पर SDMA काम कर रहा है और SDRF की 3 यूनिट यूपी के अंदर काम कर रही हैं। NDRF हमारे साथ हर एक ऐसी किसी भी चुनौतीपूर्ण समय में सहयोग करता है। ऐसे ही जनपद स्तर पर भी हमें जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करके उसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आप इसमें SDMA से और NDMA के साथ भी सहयोग लेकर के इसका भी कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपदा ये केवल बाढ़ ही नहीं है, और भी किसी भी प्रकार की आपदा का सामना कभी भी हमें करना पड़ सकता है। मानसून से पहले सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। बाढ़ पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं। तमाम तैयारियों को पूरा करने की बात कही है, जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। काफी नुकसान होता है हर बार बाढ़ की वजह से, और उसी को नियंत्रित करने के लिए और कम से कम नुकसान हो और लोगों को काफी फायदा मिले योजनाओं का, उन सभी को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। बाढ़ नियंत्रण की पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाए, इसका निर्देश भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जिला मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षा बैठक करी है बाढ़ को लेकर। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे हैं। सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जो भी तैयारियां अधूरी रह गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम बनाने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा होने पर उससे निपटा जा सकेगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, हर बार बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है मानसून में, इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? पानी की स्थिति खराब होती है, पानी को कंट्रोल कर पाना बड़ा कठिन काम होता है। उस सप्रेस में इसके लिए काम नहीं होता, पहले भी काम किया गया है। पिछले कार्यकाल में उन्होंने काम किया था, इस बार जो दूसरा कार्यकाल शुरुआत हुआ है तब से वो लगातार सक्रिय है और तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसको लेके जो बेहतर प्रबंधन हो सके और आने वाले समय में जो बाढ़ की स्थिति उसको सीधी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी कि बाढ़ तो पानी तो गिरेगा, कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और पानी गिरेगा, और खासतौर से घाघरा के समीपवर्ती जो जिले हैं, इसके अलावा पूर्वांचल में विशेष रूप से वहाँ पानी गिरता है, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर उस जगह को जो सीमावर्ती एरिया है, जो घाघरा के आसपास के जिले हैं, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर बैठक की गई थी। और बैठक में सभी मुख्य अधिकारी भी मौजूद है, उसके अलावा सभी जिले के जो डीएम है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के डीएम, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। और इस बैठक में तमाम तरह पर चर्चा हुई और सबसे कहा गया है कि जो NDRF की टीम है, SDRF की टीम है, या जो भी आपदा प्रबंधन की टीम है, या जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, सबको प्रशिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित करके वहाँ पर निगरानी केंद्र भेजा जाए। साथ ही साथ तमाम व्यवस्था की गई, ये भी कहा गया है पुलिस भी तैनात रहे, जो महिला जो कर्मी है उनकी खान पान की व्यवस्था ठीक की जाए। इसके अलावा कहा गया है कि जो राहत सामग्री है उसकी भी गुणवत्ता मेंटेन हो, राहत आयुक्त है उसकी भी गुणवत्ता उसको सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहाँ पशु रहेंगे, पशुओं के लिए अलग से एक जगह बनाई जाए जहाँ पर चारे की व्यवस्था हो, पशुओं को कोई नुकसान ना हो। साथ ही साथ वहाँ पर अगर कोई बीमारी फैलती है तो बीमारी के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है कि वहाँ पर स्वास्थ्य किट, जो स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्वास्थ्य की व्यवस्था वहाँ पर कराई जानी जरूरी है। जी, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने की बात भी कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो गौरव, इससे कितना फायदा मिलेगा बाढ़ के समय में?
देखिए निश्चित रूप से जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है हर जिले में कंट्रोल रूम बनेगा। निश्चित रूप से कंट्रोल रूम से जैसे आपने देखा है कि कोरोना के महामारी समय भी कंट्रोल रूम बने हुए थे, उनसे पूरी मॉनिटरिंग होती, तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से मॉनिटरिंग होगी, क्या क्या सामान जा रहा है, स्वास्थ्य की पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, लोग जो पशु है वो आश्रय जो अस्थायी आश्रय बनाया गया उसमें पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। और साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर जो आपका अस्थायी राशन केंद्र भी बनाए जाए, अगर जो राशन केंद्र डूब जाते हैं या उन पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है तो अस्थायी राशन केंद्र बनाया जाए, जिससे कार्ड के माध्यम से, राशन कार्ड के माध्यम से जो भी कार्ड की व्यवस्था चल रही है इसके माध्यम से लोगों को राशन मिल सके। साथ ही साथ जो महिला कर्मी है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की, उनकी खान पान की व्यवस्था भी की जाए, साथ ही साथ जो भी व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि स्वास्थ्य पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाढ़ के बाद संक्रामक बीमारी फैलने का समय होता है और बड़ी संख्या में बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। संक्रामक बीमारी जिस रूप से बरसात के मौसम में फैलती है, इसको देखते हुए यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात की गई है और निगरानी समिति भी बनाई गई है। साथ ही कहा गया है जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उनको भी पहुंचाया जाए, जिससे वो सतत रूप से निगरानी करते रहे और देखते रहे अगर कोई भी समस्या होती है उसके लिए निर्धारण करें, और साथ ही साथ जो खाना है, राशन है, जो भी व्यवस्था हो वो लोगों पास समय से पहुंच जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे लखनऊ से। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए सीएम ने आज समीक्षा बैठक की है और हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है कि इस बार जो बाढ़ में नुकसान होता है उसको नियंत्रित करा जाए और साथ ही साथ पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा के मामले में दो आरोपियों की पुलिस रिमांड कस्टडी मंजूर कर ली गई है। प्रयागराज पुलिस ने दो दिन पहले मास्टरमाइंड जावेद पब की पूछताछ के लिए रिमांड ली थी, जिसके बाद अब पुलिस ने जेल में बंद दो आरोपियों को रिमांड पर लेकर कई पॉइंट पर सवाल करेगी। इसके साथ ही सवालों से प्रयागराज के हिंसक राज खोलने का प्रयास में भी पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि रिमांड पर लाए गए अखलाक अली और मोहम्मद रहमान से प्रयागराज अटाला सिंह को लेकर कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। तो अटाला हिंसा मामले में अब एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। दो आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है, अब उनसे पूछताछ करी जाएगी और आगे की कार्यवाही में भी पुलिस जुट गई है। प्रयागराज पुलिस ने दो दिन पहले ही मास्टरमाइंड जावेद की रिमांड मंजूरी कर ली थी और पूछताछ के लिए उसकी रिमांड ली गई है। अब पुलिस जेल में बंद दो आरोपियों को रिमांड पर लेकर कई पॉइंट पर सवाल करेगी। सवाल जवाब का दौर होगा, कई अनसुलझे सवालों के जवाब जानने की पुलिस पूरी कोशिश में जुटी हुई है। सवालों से प्रयागराज के हिंसा के कई राज खुलेंगे, उसके मास्टरमाइंड का भी पता चलेगा, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे और उनकी क्या कुछ मंशा थी, इन तमाम चीजों के बारे में पूछताछ की जाएगी आरोपियों से। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से हर तरह के सवाल किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र की जा सके और इस तरह के कारनामों के पीछे जो लोग होते हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके। और इस खबर पे हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से ये जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा करी गई थी, इसको लेके हम जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, बीते 10 जून को प्रयागराज में अटाला क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद जब हिंसा हुई, सड़कों पर पथराव हुआ, लगातार 5 घंटे तक प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध रहा। लगभग 5 घंटे तक सड़कों पर पथराव होते रहे, उस पर दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिले का आला अधिकारी भी घायल हुए हैं, मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं। तो इस पे जो है पुलिस प्रशासन ने लगातार कार्रवाई करते हुए अभी तक अटाला में हिंसा हुए में शामिल जो जेल में बंद है आरोपियों को उनको रिमांड पर लेने की जो वो है वो मंजूरी मिल गई है। प्रयागराज पुलिस दोपहर को अखलाक अली के साथ मोहम्मद रहमान को रिमांड की मंजूरी उनको मिल गई है, जिनको नैनी जेल से लाकर खुलदाबाद कोतवाली में पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो पुलिस और प्रशासन की बात की जाए तो अभी तक पुलिस द्वारा लगभग 5000 से ज्यादा लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनमें से जो इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद जावेद मोहम्मद पम, उसके घर के ऊपर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसके घर के ऊपर कर दी जा चुकी है और वो अभी तक जेल में बंद है। अगर बात की जाए इस पूरे मामले में जो नए सामने आए हैं चेहरे, उसमें IMI के जो जिला अध्यक्ष है शाह आलम, उनके ऊपर सोमवार को प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है और 4 अन्य उसमें जो आरोपी हैं उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जी
जी पवन अखलाक अली और मोहम्मद रहमान से अब पुलिस पूछताछ करेगी, अलग अलग बिंदुओं में पूछताछ होगी। इन दोनों के बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या इनके पहले इनके ऊपर पहले भी किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज करी गई है या फिर ये किसी गलत गतिविधि में शामिल रहे हैं? नहीं, अभी तक ये चीजें तो नहीं साफ हुई हैं कि ये इनकी जो गतिविधि है वो किस तरह की और ये किस तरह के मामले में शामिल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इनको जो है आरोपियों के नाम में इनको डाला है, 5 नाम पुलिस को सामने आए हैं और पुलिस लगातार उस पर कार्य कर रही है। पुलिस इनको रिमांड पे लेकर पूछताछ करेगी और कई बिंदुओं पर इनसे पूछताछ करेगी, चूंकि ये जो मामला है वो पूरी तरीके से इतना संवेदनशील हो गया है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी है अभी तक पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पुलिस लगातार जो जुमे जो आ रहे हैं पुलिस उस पर लगातार नजरें जड़ाए हुए है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, पुलिस की टीम वहां पर लगातार गश्त कर रही है और जो अभी तक आरोपियों के जो पोस्टर जारी किए गए थे उनकी तलाश की जा रही है। तो निश्चित रूप पुलिस इस पे कार्य कर रही है और जल्दी पुलिस इस पे और भी नाम सामने आएंगे। जी पवन, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और कितने लोगों के नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, जो पोस्टर जारी किए गए हैं उनमें से पुलिस ने कुल 64 लोगों के पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने अभी तक 14 जल्दी लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन जुड़े थे। तो अटाला हिंसा के मामले में अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और आरोपियों जिन लोगों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या फिर तस्वीरों में जिन लोगों के चेहरे कैद हुए हैं उन लोगों का पता लगाया जा रहा है, पूछताछ करी जा रही है और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था इसका भी पता लगाने में पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ दबंगों ने मारपीट की है और वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एसडीएम के आदेश पर मामले पर कार्यवाही करते हुए बदमाशों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि खरकाली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाने जब टीम पहुंची तो दबंगों ने मारपीट की अधिकारियों के साथ। तो मारपीट का वो वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, बुलंदशहर की ये घटना है और आपको बता दें कि जब से सीएम योगी ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला है उसके बाद से ही तमाम अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में एक्शन मोड में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा एक्शन का ही देखने को मिल रहा है तो वो है अतिक्रमण के क्षेत्र में। अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जब बात आई बुलंदशहर की तो वहां पर भी काफी एक्शन मोड में अधिकारी नजर आए और खरकाली गांव में जब अतिक्रमण हटाने अधिकारी पहुंचे तो उनके ऊपर बदमाशों ने हमला कर दिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर बुलडोजर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ दबंगों ने मारपीट की है और अब इस मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से दबंग इस काम को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं, मारपीट और तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर से इस खबर में हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, घटना की पूरी जानकारी चाहेंगे, कितने लोगों द्वारा हमला किया गया और कब की घटना है? मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर के में तालाब को हटाने की टीम पहुंची थी जहां जो प्रोग्राम संचालित था उस पे कुछ दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट की गई है और संज्ञान में वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन खलबली में आ गया है और उसके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और क्या कुछ जानकारी है? इसमें कुछ जो लेखपालों से जानकारी ली और एसडीएम से जानकारी ली इस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी थे जिन्होंने संचालक के साथ मारपीट की गई है वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिन्होंने अवैध कब्जे को लेकर दबंगों ने दंगा फसाद किया उनको अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विशाल कुमार जुड़े हुए थे बुलंदशहर से।
गोंडा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता को घर छोड़ने के लिए परिजनों से पैसे मांगे गए और वहीं अवैध वसूली का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि सीएचसी बेलसर के भटपुरवा गांव का ये मामला है। गोंडा से ये खबर सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अवैध वसूली करी जा रही है और इसका पूरा वीडियो भी बनाया गया है और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है स्वास्थ्य विभाग की। अवैध वसूली का वीडियो भी वायरल हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से महिला पैसे दे रही है और पैसे की मांग करी गई है और एक व्यक्ति वीडियो भी बना रहा है। गोंडा से एक खबर है जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। प्रसूता को घर छोड़ने के लिए परिजनों से पैसे मांगे गए हैं और अवैध वसूली का वीडियो भी सामने आ गया है और महिला पैसे देते हुए भी दिख रही है। एम्बुलेंस दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में साफ तौर से। अवैध वसूली का यह मामला है और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। गोंडा से एक खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो भी कमियां व्याप्त हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो वही दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने आया है जो कई सवाल खड़ा करता है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें कैमरों में कैद हो गई है और देखा जा सकता है किस तरह से महिला से पैसे की मांग करी जा रही है और वो कुछ पैसे देते हुए भी नजर आ रही है। प्रसूता को घर छोड़ने का मामला है जहां पे उससे अवैध वसूली करी जा रही है और इसका वीडियो भी बनाया गया है एक व्यक्ति द्वारा और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इसको संज्ञान में लेने के बाद स्वास्थ्य महकमा किस तरह से एक्शन लेता है। परिजनों से पैसे मांगने का ये मामला सामने आया है और इसका वीडियो भी बनाया गया है, पैसा देते हुए वीडियो बनाया गया है। हालांकि ये व्यक्ति पैसा लेने से इनकार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था जिसकी वजह से इसने पैसे लेने से मना कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो बनाया गया है पैसे की मांग को लेकर। ये वीडियो है प्रसूता के परिजनों द्वारा ये पैसे दिए जा रहे हैं एम्बुलेंस चालकों को। अवैध वसूली का यह मामला सामने आया है। पूरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी गई है। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। तो यूं तो स्वास्थ्य विभाग में कई कमियां व्याप्त हैं और जिसको दूर करने की कोशिश में स्वास्थ्य मंत्री भी लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का ये मामला सामने आया है इससे देखना ही होगा कि संज्ञान क्या लिया जाता है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल रस्तोगी जुड़ चुके हैं गोंडा से। अनिल, इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि इसके वायरल होने के बाद काफी हड़कंप मच गया स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिला पैसे दे रही है लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है वो पैसा लेने से इनकार कर रहे, तो क्या वो ज्यादा पैसे की मांग कर रहे थे? आखिर किस आधार पर ये वीडियो बनाया गया है? अनिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम आवाज नहीं आ रही है। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। अवैध वसूली का यह मामला सामने आया है जिसका अब वीडियो भी सामने आया है। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।